आज हम आए हैं मॉडल टाउन विधानसभा की कमला नगर मार्केट। ये देखिए मेरे पीछे कमला नगर मार्केट है, जो कि दिल्ली की बहुत मशहूर बाजार है। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है, कमला नगर मार्केट में आने वाले लोग क्या सोचते हैं आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के बारे में। चुनावी चर्चा दुकानदारों के बिना अधूरी है, ऐसी एक दुकान में हम जा रहे हैं बात करने के लिए कि आखिर दिल्ली में चुनावी रंग किसका है, किसका जोर है। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भैया दिल्ली में अभी फिलहाल आप चुनाव आप आदमी का, आप पार्टी का। आप पार्टी का ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। अच्छा, आपको फायदा मिला उसका? हमें काफी फायदा मिला है। क्या फायदा मिला? जिन बच्चों की एजुकेशन में हेल्प हुई है काफी, लोगों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन फ्री मिलता है विदाउट एनी गारंटी। अच्छा, आगे आइए, थोड़ा सा बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में। वैसे तो बीजेपी का जोर है, लेकिन अच्छा। ज्यादातर इस टाइम केजरीवाल जी के ऊपर है। मतलब केजरीवाल जी का आगे चल रहा है चुनाव, बीजेपी भी फाइट में। सर केजरीवाल के भी लग रहे हैं, बीजेपी के भी लग रहे हैं। जीतेगा कौन ये बताइए ना। आम आदमी पार्टी आगे कौन चल रहा है? आम आदमी पार्टी। आप बताइए कौन आगे चल रहा है और आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों लगता है सब यहाँ पे सभी आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं? हमें फायदा नजर आ रहा है। आपको क्या फायदा हुआ? ऐसे बिजली पानी गरीब आदमी बहुत है मान ले तो। कमला नगर में हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर रावल पिंडी के छोले भटूरे, रावल पिंडी पाकिस्तान में है लेकिन कमला नगर में भी इसके नाम से एक दुकान है। और देखिए यहाँ पर कतार देखिए कितनी लंबी है भटूरों की लाइन में। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये सब इंतज़ार कर रहे हैं इनका नंबर कब आएगा, छोले भटूरे कब खाएंगे। और इससे अच्छी जगह मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती है कि हम यहाँ इनसे दिल्ली चुनाव पर इनकी राय जाने। दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है, इस बार कौन जीतेगा? सर केजरीवाल। ऐसा क्यों? केजरीवाल ने जी ने इतना किया है, 200 दिन तक बिजली फ्री की है, पानी फ्री, स्कूल के लिए अच्छा बेनिफिट करा है, हॉस्पिटल के लिए अच्छा बेनिफिट करा है। अच्छा, तो देखिए छोले भटूरे के लिए कितना इंतजार करना पड़ा आपको? देखो लाइन तो लगी है, लाइन में लगे हैं, मोदी जी के राज में तो ये भी नहीं थे। आप बताइए कि क्या लग रहा है दिल्ली में? केजरीवाल ने 4.5 साल तो कुछ किया नहीं, अब वो लोगों को मतलब बुफत के खाने की आदत डाल रहे हैं, बजाय इसके मेहनत करके खाओ। और दूसरे ये जो हमारा वक्त है ये हमें अपने देश प्रेम दिखाना है। अच्छा, सबको हिंदुओं को एक होकर देश प्रेम के नाम पर वोट डालेंगे। सर आप इनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हूँ। अच्छा बिल्कुल, आपकी जबान ये बोल रही है? बिल्कुल 4.5 साल कुछ नहीं किया, आखिर में बोल रहा है। क्यों सोया था वहाँ जाके विजय चौक पे जाके, ये बताइए जरा। अच्छा। क्यों उस टाइम उसको मोदी को गाली दिया करता था? इस कतार में महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, ये महिलाओं की लाइन है, महिलाओं की राय लेना बहुत ज़रूरी है। आज आप छोले भटूरे की कतार में लग रहे हैं लेकिन 8 तारीख को वोटिंग की कतार में लगेंगे, किसको खुश करेंगे आप? केजरीवाल को। हैं? केजरीवाल। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? आम आदमी, उसने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, नाइस है, नाइस पर्सन है। आप बताएंगे आप दिल्ली में क्या होने जा रहा है? देखो जी, अगर तो देश की तरक्की चाहते हो तो गोविंद मोदी, और अगर छोटे छोटे उसमें खुश हो जाते हो कि बिजली फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रहा है, तो गोविंद केजरीवाल। आई थिंक आई गोविंद मोदी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। कमला नगर मार्केट दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है और यहाँ पर अक्सर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं भी आती हैं। देखिए मेरे साथ छात्राएं मौजूद हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत सकता है? सेंटर में ऑलरेडी मोदी सरकार है, और अगर हम दिल्ली में भी उन्हें ले आएंगे तो इट विल बी मतलब पूरी तरफ से मोदी का वो हो जाएगा। एंड पर्सनली आई बिलीव दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज़ वर्क फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स, ही इज इन्वेस्टेड अ लॉट। मैं चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल ही आए ताकि मोदी गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया ना हो पाए, और उनको अपोज करने के लिए भी कुछ जैसे जो चीज़ें गलत कर रहे हैं उनको अपोज करने के लिए भी कोई होना चाहिए। दिल्ली में आप सरकार ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे CA NRC के कारण जनता काफ़ी दुखी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान होगा। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तो इस बार दिल्ली में चुनाव में क्या हो रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? अच्छा, केजरीवाल भी आएगा? नहीं, कौन पार्टी सरकार बना रही है आज की तारीख में? एक ही तो बनाएगी।
ऐसी सरकार नहीं बनाएगी, ये तोड़ फोड़ करके बनाई जाएगी सरकार बनाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना सकते हैं? ना, कांग्रेस ही बना सकती है, पर अच्छा, तोड़ फोड़ चलेगी। क्या ऐसा है दिल्ली कांग्रेस फाइट में है? दिल्ली में कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी नहीं है। अच्छा, पहली चीज। हाँ, अगर कॉम्पिटिशन है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। केजरीवाल ने स्ट्रेटेजी खेली है ना, ये बिल कम कर दिया, जो जीरो कर दिया, मार्च 31, 2020 तक वो बिल तब तक ही है, वो बिल तक तभी जीरो आएंगे, उसके बाद वो जीरो नहीं है, उसके बाद वो सब चार्ज लगेगा। नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि जो 200 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं वो ऐसे ही जारी रहेगा आगे भी। वो देखिए, वो तो स्ट्रेटजी है। देखिए, गोलगप्पे मुझे भी बहुत पसंद है और यहीं पर एक गोलगप्पे की रेहड़ी हमें नज़र आ रही है। गोलगप्पे हम खाएंगे, लेकिन कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बताइए कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा दिल्ली में? केजरीवाल। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा काम किया है। अच्छा। ईमानदार बंदा है। अच्छा, ईमानदार बंदा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है, कौन जीत सकता है? दिल्ली में तो केजरीवाल ही चल रहे हैं अभी। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत जगह उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हैं, हॉस्पिटल्स में। केजरीवाल की हवा है, लेकिन देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए बीजेपी को ही आना चाहिए। अच्छा। और दिल्ली में और सेंटर में एक ही सरकार रहती है तो उसमें तरक्की होती है स्टेट की। सर से सहमत है? मोदी जी के फेवर में। अच्छा, जो सीए लगाया है वो चलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में आपका वोट सीए के नाम पर जाएगा? अच्छा, हमारे साथ देखिए दो लड़कियां हैं, इनमें से जो उस तरफ खड़ी हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये पहले वोट डाल चुके हैं। पहले आप ही से बात करते हैं, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे और दिल्ली में क्या होने जा रहा है? मेरे को तो यही लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं तो बीजेपी को ही वोट डालने वाली हूँ इस बार। आप बताइए, आप अपनी फ्रेंड से सहमत हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, मोदी को ही मिलना चाहिए, मैंने भी पहले मोदी को ही दिया था। अच्छा, पिछले चुनाव में? क्यों? जो काम पहले नहीं हुआ वो इस बार भी हुआ है, जैसे राम मंदिर हुआ है। अच्छा। और तलाक का हुआ है। जब नेता को वोट चाहिए, उनको वोटिंग चाहिए, तो आती है ये मीडिया वाले सारे सबको भेज देते हैं। अच्छा। इनसे ले आओ रहे, उनसे ले आओ, तो कहते हैं हम तुम्हारा जो भी काम होगा हम सब कुछ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। कर दिया, वोट दे दिया, फिर उसके बाद अगले साल नजर आना। अभी केजरीवाल का वोट चल रहा है अभी, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, क्यों फ्री करना है उनको? फ्री करना क्यों है? पब्लिक जब दे रही है, अगर कुछ करना है, अगर कुछ करना है तो रोजगार में करे। तो आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है? वो कोई भी पसंद नहीं, एक भी पसंद नहीं है। वोट देने जाएंगे, नोटा का भी ऑप्शन होता है उसमें? अरे वोट तो इसलिए देते हैं कि हमारा नाम ना कटे। अच्छा। आगे भी तो चाहिए ना। हाँ, हाँ। केंद्र अपनी जगह है और ये सरकार अपनी जगह है, तो मेरा तो एक ही कहना है कि सत्ता में किसी चीज को बराबर नहीं लाना चाहिए। अच्छा। विपक्ष विपक्ष का होना चाहिए, तो यहाँ तो केजरीवाल आना चाहिए। जब केंद्र की बात आएगी तो मोदी जी को फिर जिताएंगे।